दोस्तों, अगर हम आपसे दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में सबसे पहले ताजमहल या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम आएगा। और हो सकता है आप हमारी दुनिया के सभी 7 अजूबों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते भी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 7 अजूबों को साल 2000 में चुना गया था और साल 2000 में इन 7 अजूबों को हमारी पृथ्वी की वर्तमान सूची में शामिल किया गया था। लेकिन हमारे प्राचीन काल में भी हमारी इस दुनिया में 7 अजूबे हुआ करते थे, जिनका वर्णन हमें कई सारी ऐतिहासिक किताबों में देखने को मिलता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमारी पृथ्वी के प्राचीन अजूबे कहां चले गए। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको प्राचीन विश्व के 7 अजूबों से रूबरू करवाने वाले हैं। नंबर 1, स्टैचू ऑफ ओलंपिया। दोस्तों, ओलंपिया के ज्यूस के मंदिर के अंदर 40 फीट से ज्यादा ऊंची एक मूर्ति बनी हुई है और इस मूर्ति को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक के एक बहुत मशहूर मूर्तिकार फिडियस ने बनवाया था। और इस मूर्ति में देवताओं के राजा ज्यूस को हाथी के दांत और सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया गया था। इस मूर्ति में ज्यूस के चप्पल और कपड़ों को सोने से बनाया गया था, जबकि बाल और दाढ़ी हाथी के दांत से बने हुए थे। इसके अलावा ये मूर्ति अपने बाएं हाथ में एक राजदंड भी पकड़े हुए थी। इसके शीर्ष पर एक चील बैठा हुआ था, जो उस वक्त सभी जीवित प्राणियों के शासन के रूप में उनकी शक्ति का प्रतीक हुआ करता था। और उनके दाहिने हाथ में विजय की देवी नाइकी की एक छोटी सी मूर्ति भी थी। इस स्टैचू को बनाने में पूरे 10 साल का समय लगा था। इसके अलावा इसे बनाने में बड़ी संख्या में संसाधनों का इस्तेमाल किया गया था। इसके शरीर को बनाने के लिए हाथी दांतों को भारत से मंगवाया गया था। इसके अलावा कपड़े बनाने के लिए सोना ग्रीस के आसपास के अलग अलग हिस्सों से लाया गया था। इनके सिंहासन में कई सारे बेशकीमती पत्थर और रत्नों को जड़ा गया था। दोस्तों, ओलंपिया में बनी हुई ज्यूस की मूर्ति अपने आप में कलात्मक सुंदरता में एक मास्टरपीस थी और प्राचीन यूनानियों के लिए इस मूर्ति का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व था। और वो मंदिर जिसमें इस मूर्ति की स्थापना की गई थी, इसे ग्रीक के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता था। लेकिन बदकिस्मती से ओलंपिया के प्राचीन खजाने की तरह यह मूर्ति भी जीवित नहीं रह पाई। इतिहासकारों का कहना है कि यह मूर्ति किसी भूकंप की वजह से नष्ट हुई थी। नंबर 2, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। दोस्तों, गीजा के पिरामिड को दुनिया की सबसे इंप्रेसिव और फेमस संरचनाओं में से एक माना जाता है। मिस्र के काहिरा के बाहरी इलाके में मौजूद मिस्र में रहने वाले लोगों ने आज से 4500 साल पहले फैरो खुफू की हुकूमत के दौरान इस पिरामिड को बनाया था, जो कि 481 फीट ऊंचा है। इस पिरामिड के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक लगाए गए हैं, जिसमें से हर एक पत्थर 2 से लेकर 15 टन वजनी है। यह पिरामिड लगभग 13 एकड़ के एरिया को घेरे हुए है। दोस्तों, उस वक्त में इस पिरामिड को बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के किस तरह से बनाया गया, ये आज भी हमारे वैज्ञानिक नहीं जान पाए। और इस पिरामिड को बनाने की टेक्निक आज के जमाने में भी इंजीनियरों के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस पिरामिड के अंदर कमरों और रास्तों का एक जटिल नेटवर्क बनाया गया है। हजारों सालों से प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध से जूझने के बाद भी ये पिरामिड वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है, जैसा ये आज से 4500 साल पहले बना था। नंबर 3, द टेम्पल ऑफ आर्टिमिस। ये मंदिर आज के वक्त के तुर्की में बना हुआ था। इस मंदिर को यूनानी देवी आर्टिमिस को समर्पित किया गया था। ये मंदिर काफी ज्यादा भव्य था, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इसकी जमीन का एक अलग प्लॉट बाढ़ की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद दूसरे भव्य मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा क्लासिस की हुकूमत के दौरान किया गया, लेकिन किसी वजह से यह दूसरा मंदिर भी तबाह हो गया। इसके बाद 223 ईसा पूर्व में एक बार फिर से इसे बड़े पैमाने पर बनवाया गया और इस नए मंदिर को 60 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था, जिसके अंदर 120 से ज्यादा संगमरमर के कॉलम्स खड़े किए गए थे। ये मंदिर एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना तो था ही, साथ ही साथ ये मंदिर एक धार्मिक स्थल के तौर पर भी काम करता था। पूरे यूनान से लोग यहाँ पूजा करने और आर्टेमिस देवी को उपहार चढ़ाने के लिए आया करते थे। इस मंदिर के अंदर सोने चांदी की मूर्तियों के अलावा कई सारे बेशकीमती खजानों को भी रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती से कई सारे आक्रमणों की वजह से यह मंदिर पूरी तरह तबाह हो गया और आज एक खंडहर बन चुका है। नंबर 4,
कोलोसस ऑफ रोड्स। इस मूर्ति को शहर की बंदरगाह के एंट्री गेट पर खड़ा किया गया था, जिसे प्राचीन दुनिया के सात अजूबों में से एक कहा जाता है। इस मूर्ति को तांबे और लोहे से बनवाया गया था और इसे स्कल्पचर की ऊंचाई 108 फीट से भी ज्यादा थी। इस पूरी मूर्ति को बनाने में लगभग 12 साल का समय लगा था। ये मूर्ति हेलियोस के बंदरगाह के एंट्री गेट के दोनों तरफ एक एक पैर रखकर खड़ी हुई थी। इस मूर्ति के एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में भाला था। दोस्तों, इस मूर्ति को बने हुए सिर्फ 50 साल ही गुजरे थे कि एक भयंकर तूफान की वजह से यह मूर्ति पूरी तरह से तबाह हो गई थी। नंबर 5, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। दोस्तों, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन को प्राचीन विश्व के सात अजूबों में से एक कहा जाता है। यह समय के बगदाद इराक के करीब बेबीलोन शहर में बना हुआ है। यह हैंगिंग गार्डन उस समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक नमूना था और इस बगीचे को 6 शताब्दी ईसा पूर्व में वहां के राजा ने अपनी पत्नी को तोहफे में दिया था। उस समय के आर्किटेक्ट इस बगीचे को एक अलग ही रूप देना चाहते थे, जो कि मेसोपोटामिया की लैंडस्केप से काफी ज्यादा अलग था। यहां डिजाइनर्स ने पत्थरों की मदद लेकर ऊंची छतों की सीरीज पर हैंगिंग गार्डन बनाए थे, जिसमें हर छत को मिट्टी की परत से ढकने के बाद उसमें अलग अलग पेड़ और झाड़ियों को लगाया गया, ताकि ये बिल्कुल एक बगीचे की तरह लगे। इसके अलावा इन बगीचों की सिंचाई करने के लिए पास ही की यूफ्रेटिस नदी के पानी का इस्तेमाल किया गया था। इस बगीचे की खास बात यह थी कि इसमें जो पेड़ पौधे लगाए गए थे वो लटकते हुए दिखाई देते थे और जो कोई भी इन पेड़ों को देखता था ये पेड़ उसका मन मोह लेते थे। दोस्तों, ये प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही मशहूर अजूबा था, लेकिन इसके बावजूद भी आज के समय में बहुत ही कम ऐसे इतिहासकार बचे हैं जो इस खूबसूरत और नायाब अजूबे की बात करते हैं। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि सिर्फ कुछ यूनानी इतिहासकारों के लेखों में इस हैंगिंग गार्डन का जिक्र मिलता है। नंबर 6, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। दोस्तों, इसको अलेक्जेंड्रिया के फेरोस के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्राचीन विश्व के सात अजूबों में से एक था। उस समय के इंजीनियर्स ने अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह के एंट्री गेट पर परोस द्वीप पर एक लाइट टावर बनाया था। आर्किटेक्ट ने इस लाइट हाउस को 3 तरीकों से डिजाइन किया था। इसके नीचे वाले हिस्से को स्क्वायर शेप में बनाया गया था, बीच के हिस्से में एक कोण बना हुआ था और तीसरे हिस्से पर टॉप फ्लोर बनाया गया था जिसमें बीकन फायर रखी गई थी। लाइट हाउस लगभग 330 फीट ऊंचा था और इस लाइट हाउस को अलेक्जेंड्रिया के जहाज को बिजी बंदरगाह तक हिफाजत तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इसकी रोशनी 30 से 50 मील तक जाती थी, जो जहाज को रास्ता दिखाने का काम करती थी। लेकिन समय के साथ आने वाले भूकंपों और समुद्री तूफानों की वजह से ये लाइट हाउस भी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया और ये लाइट हाउस आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। नंबर 7, म्यूजियम एट हेलिकार्नासिस। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा मकबरा था। इसे आज के समय में तुर्की के एक शहर हेलिकार्नासिस में बनाया गया था। यह मंदिर 45 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बना हुआ था। इसमें लगाई गई मूर्तियां और इसकी नक्काशी इसे एक अलग ही रूप देती थी। इस जमाने के बिल्डरों ने इस मंदिर को आसपास की खदानों से संगमरमर का इस्तेमाल करके बनाया था। इसके अलावा इस मकबरे के बाहरी हिस्से में एक सीढ़ीदार स्ट्रक्चर पिरामिड भी बनाया गया था, जिसके चारों किनारों पर ग्रीक की कहानी को मूर्तियों की नक्काशी के जरिए दिखाया गया था। इसके अलावा इस पिरामिड के टॉप पर रथ के ऊपर सवार मेसोलिया और आर्टिमिसिया की मूर्ति भी बनाई गई थी। इसके अलावा इसके सेंटर में एक कमरा भी बना हुआ था जहां मेसोलियस और आर्टिमिसिया के ताबूत को रखा गया था। लेकिन समय गुजरने के साथ इस मकबरे को प्राकृतिक आपदाओं और लूटपाटों ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसमें बनी हुई कई सारी कीमती मूर्तियां या तो खो गईं या नष्ट हो गईं। सिर्फ इस मकबरे के कुछ ही टुकड़े बचे हैं जिन्हें यहां से ले जाकर अलग अलग म्यूजियम में रख दिया गया है। तो दोस्तों, सोचिए उस समय का आर्किटेक्ट कैसा होगा। हमें तो इसमें सबसे अच्छा हैंगिंग गार्डन लगा। आपको क्या लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमने और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। हम आपसे वहीं मिलेंगे।